Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum, welcome to Al Hadi Foundation School. Today we will solve the page number 30. Add. जैसे आपने पीछे ones और tens को हमने count करके हमने लिखा था, ये बिल्कुल same उसी तरह solve करने हैं. जैसे आपके पास फर्स्ट पार्ट गिवन है, जैसे सिक्स में सिक्स प्लस किए ट्वेल्व. अब ये देखिए ट्वेल्व है, ठीक है. तो ये जो टू है ये हमारा वंस होगा और ये जो वन है ये हमारे टेंस के ऊपर कैरी होगा, ठीक है. टू जो यहाँ पे ये वन बचेगा वो टेंस की तरफ आएगा, टेंस में काउंट होगा और देन लिखा जाएगा, ठीक है. जैसे टू में ये वन प्लस किए तो थ्री. इसी तरह अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, एट में फोर प्लस करने, ठीक है. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर, ठीक है. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ठीक है. ट्वेल्व अब ये देखिए ये है ना ट्वेल्व, टू यहाँ पे और वन कैरी. थ्री में वन प्लस किए फोर, ठीक है. जो हमारे टू के साथ वन था वो हमारे टेंस में चला गया. जैसे आपको पता है कि हमारा जो फर्स्ट डिजिट होता है वो वंस होता है और सेकंड टेंस होता है, तो इसी तरह वन जो है वो ऑलरेडी टेंस में चला जाएगा. नेक्स्ट पार्ट है फाइव एंड एट, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन. तो थर्टीन में थर्टीन वन एंड थ्री, तो थ्री जो होगा वो वंस में आ जाएगा और वन कैरी होगा, तो फाइव एंड वन सिक्स, ठीक है. नेक्स्ट पार्ट आते हैं वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है. ठीक है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेवन वन एंड वन कैरी, और सिक्स में वन प्लस करेंगे तो सेवन, ठीक है. अब इसी तरह ये इसके वन टू थ्री एंड फोर जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो अपनी बुक पे खुद सॉल्व करें. नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, ऐड दीज, ठीक है. अब इसमें जो आपके पास ऊपर थे उसमें जस्ट आपके पास वन टेन जो है वो गिवन था, ठीक है, एक डिजिट था टेन में, टेंस में, ठीक है. लेकिन जो अब नीचे है उसमें क्या है कि आपके पास दो दो नंबर्स हैं, लेकिन जब आप वंस को प्लस करेंगे तो आपके पास दो डिजिट आएंगे. तो आपने जैसे पीछे किया था इसी तरह वन डिजिट नीचे लिखनी होगा और सेकेंड जो है वो कैरी होगा. जैसे फर्स्ट देखें सेवन प्लस सिक्स, ठीक है. तो सेवन में सिक्स प्लस करें थर्टीन, तो थर्टीन का ये जो थ्री है ये नीचे आ गया, ठीक है, और वन जो है वो ये देखें कैरी हो गया, ठीक है. अब इस कैरी को भी आपने ऐड करना है, वन और फोर क्या हो गया फाइव, फाइव और वन सिक्स, ठीक है. अब इसी तरह आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यहाँ पे क्या है फोर एंड एन, फोर एंड एट, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ठीक है. अब ये देखिए ट्वेल्व है ना, तो टू जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और वन कैरी. सिक्स में वन प्लस करेंगे सेवन, सेवन में ये टू प्लस करेंगे एट एंड नाइन, ठीक है. इसी तरह जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सेवन प्लस एट, ठीक है. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन, ठीक है. अब देखिए ये फिफ्टीन है ना, ठीक है, इसका फाइव जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और जो इसका ये वन है, ठीक है, ये टेंस में जाएगा तो ये ऊपर कैरी हो जाएगा, ठीक है. तो फाइव एंड वन सिक्स, और जो आगे कैरी था उसको प्लस करेंगे आ जाएगा सेवन, ठीक है, फाइव सिक्स एंड सेवन, ठीक है. आगे नेक्स्ट पार्ट देखिए फोर और नाइन, ठीक है, फोर एंड नाइन. अब वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व एंड थर्टीन, थ्री एंड वन कैरी, टू एंड वन थ्री एंड थ्री प्लस सिक्स.
सो स्टूडेंट्स, इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो इसी तरह आपने अपने बुक पे सॉल्व करने हैं।